लुक एट दिस क्वेश्चन हियर। एक प्रॉपर्टी हमने अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी बताई थी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एक्स चेंज हो जाता है और सारी चीजें सेम रहती हैं, एक्स की जगह पे लिख सकता हूं ए माइनस एक्स। ये मोस्ट यूज प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन में यूज होने वाली, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी। देखो 0 to 2, 0 to 2, अब इसको देखो इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल था, एक्स को अंदर तो भेज नहीं सकता मैं और यहां पे प्रोडक्ट टूल लगाना भी बड़ा मुश्किल है। अब क्या करते हैं, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो जहां जहां पे आपको एक्स मिले वहां वहां पे 2 - x लिख दीजिए गिवन एक्सप्रेशन में। जहां जहां पे भी आपको एक्स मिले वहां पे ए माइनस एक्स रख दीजिए, ए यहाँ पे 2 है तो 2 - x रख दीजिए, +2 dx। अगर मैं यहां माइनस लिख दूं तो यहां माइनस आ जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी इस माइनस वाले क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे, प्लस वाले में प्रॉपर्टी फेल हो गई थी। तो ये आ गया 2 - x, ये क्या बचा है यहाँ पे, √x dx। राइट, नाउ लेट अस सोल्व दिस। हाउ टू सोल्व दिस, इसको कैसे सोल्व करें, इसको सोल्व करते हैं 0 to 2। रूट एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2 से भी और एक्स से भी, तो 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 2√x, और एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्स रूट एक्स कितना होता है, ये पावर 1/2 और ये पावर 1, तो पावर हो गई 1.5, तो पावर हो गई 3/2। सो इट कैन बी रिटन एज पावर 3/2 × dx। इंटीग्रेट कर दीजिए अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 2, ये 2√x सेपरेटली इंटीग्रेट कर देता हूं। देखो 2 को इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, एक्स की पावर एक इंक्रीज करेंगे 1/2 + 1, उसी से डिवाइड 1/2 + 1, इसको इंटीग्रेट करते हैं 3/2 + 1, नीचे 3/2 + 1 dx हट जाएगा और इंटीग्रेशन भी हट जाएगा। सी नहीं आएगा यहां पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 2 लगाना पड़ेगा 0 to 2, लिमिट पुट करेंगे इसमें। ओके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो इट बिकम एक्स पावर 3/2, ये 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इट बिकम 4/3 माइनस इट बिकम एक्स पावर 5/2 एंड इट बिकम 2 ऊपर चला जाएगा नीचे एलसीएम लेंगे तो, एंड 2 + 3 = 5। नाउ हाउ टू अप्लाई द लिमिट, आई होप यू नो हाउ टू अप्लाई द लिमिट। लिमिट कैसे लगाते हैं, यहां पे 2, पहले 2 रख दो, अपर लिमिट रख दो पहले, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो। तो अपर लिमिट रखी 4/3, यहां पे रखा एक्स की जगह पे, जहां जहां पे भी एक्स मिले वहां वहां पे पहले 2 रख दो, तो 2 की पावर 3/2 - 2/5, ये 2 की पावर 5/2। और दूसरा काम क्या करते हैं, ये लोअर लिमिट कैसे पुट करते हैं 0, अब माइनस लगा के 0 पुट कर दो एक्स की जगह पे, तो 0 - 0। राइट, एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट लिटिल बिट मोर so then you can solve it 4/3 and 2√, it can be written as 2√2, power solve करनी आपको आती होंगी ऐसा मैं assume कर रहा हूँ, and it can be written as 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 4√2। now take LCM और cancel कर लीजिए या लिख लीजिए 8√2/3 -8√2/5, so this is the final answer in this case। राइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।